रुक रुक वरना गोलियों से भून दूंगा। फिल्मी अंदाज में चलती ट्रेन में ताबड़तोड़ फायरिंग, दो महिला समेत तीन को लगी गोली। पटना में अपराधियों ने चलती हुई पटना झाझा मेमू पैसेंजर में ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैला दी। फिल्मी अंदाज में ट्रेन में सवार पांच छह बदमाशों ने सलीमपुर सम्मतपुर के भूषण हत्याकांड के मुख्य गवाह सुनील प्रसाद को लक्ष्य कर करीब 12 राउंड गोलियां दागी। ताबड़तोड़ फायरिंग में सुनील के कमर के नीचे दो गोली लगी, जबकि पास में बैठी दो महिला यात्री भी गोली लगने से जख्मी हो गई। जमीन विवाद को लेकर चली आ रही पुरानी रंजिश व हत्याकांड के मुख्य गवाह सुनील को अपराधी रास्ते से हटाना चाहते थे। घायलों में सुनील प्रसाद के अलावा वैशाली जिले के जुरावपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी प्रमोद दास की पत्नी ललिता देवी व सलीमपुर थाना क्षेत्र के हिदायतपुर निवासी देवकी साव की पत्नी दर्पण्या देवी शामिल है। घटना के तीनों घायलों को NFCH में भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद बदमाश खुसरूपुर स्टेशन पर ट्रेन के धीमी होते ही उतर कर भाग गए। जांच के दौरान GRP ने दो खोखे भी बरामद किए। प्रारंभिक जांच में जमीनी विवाद ही वारदात की मुख्य वजह बताई जा रही है। हमलावर पूर्व में घायल सुनील प्रसाद के परिवार को ही मारे गए सदस्य भूषण यादव हत्याकांड के नामजद आरोपी बताए जा रहे हैं। GRP मामले की अलग अलग पहलुओं की जांच भी चल रही है। धन्यवाद।